गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज इंसेंटिव्स। वी ऑल हैव स्टडीड मोटिवेशन टॉपिक इन लास्ट वीडियो। हम लोगों ने मोटिवेशन चैप्टर पढ़ा था, मोटिवेशन टॉपिक पढ़ा था, और उसमें एक टॉपिक है इंसेंटिव्स। तो इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंसेंटिव्स क्या होता है, वो कितने टाइप्स का होता है, और उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट। इंसेंटिव टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, मैनेजर्स ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मीन्स ऑल मेजर्स विच आर टेकन टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। मीन्स हर वो चीज़ जो कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय के नीड को सेटिस्फाई करता है, उसको मोटिवेट करने के लिए, वो इंसेंटिव कहलाता है। जिस तरीके से इस पिक्चर में एक इंसेंटिव दिखाया जा रहा है उसको, और एम्प्लॉय उसको देख करके खुश हो रहा है। तो इंसेंटिव मीन्स ऑल द मेजर्स विच आर टेकन टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, वो सब कुछ इंसेंटिव होता है। तो लेट्स स्टार्ट। इंसेंटिव जनरली दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मैनेजमेंट ट्राइज टू गवर्न द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है, हमेशा एम्प्लॉय के बिहेवियर को गवर्न करने की कोशिश करता है। कैसे? उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके। क्या क्या टाइप्स के नीड्स होते हैं ये हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं इन मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। फॉर दिस पर्पस वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड। एंड इंसेंटिव इज समथिंग विच स्टिमुलेट्स अ पर्सन टू डू सर्टेन एक्टिविटी। इंसेंटिव क्या है? हर वो चीज़ है जो कि किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए स्टिमुलेट कर दे, चार्ज कर दे उसे। ठीक। इंसेंटिव्स अगेन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है? सी, दिस इज़ अ ट्री ऑफ मनी, एक इमेजिनेशन है। इंसेंटिव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद मॉनेटरी बेनिफिट्स। इंसेंटिव्स जनरली क्या होता है? ऐसे इंसेंटिव्स जो कि फाइनेंशियली इंसेंटिव्स तभी कहलाएंगे जबकि वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पैसे से रिलेटेड हो। ठीक। या उसको पैसे में एक्सप्रेस किया जा सके, पैसे में मेज़र किया जा सके। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके। तो क्या क्या हो सकते हैं ऐसे? तो सबसे पहला और सिंपल मोस्ट पॉपुलर है पे एंड अलाउंसेस। फॉर एनी एम्प्लॉई सैलरी इज़ द बेसिक इंसेंटिव। सैलरी क्या होता है? बेसिक इंसेंटिव होता है। अब उसके बेसिक इंसेंटिव इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, सैलरी क्या होता है? एक बेसिक इंसेंटिव होता है। सबसे पहला किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक इंसेंटिव जो होता है वो सैलरी होता है। अब सैलरी में क्या क्या चीज़ आती हैं? तो उसमें बेसिक पे, डियरनेस अलावेंस, और जितने भी पर्कसाइड्स आते हैं जिसको शॉर्ट में पर्क्स बोलते हैं, वो सब कुछ आते हैं। आप लोग अक्सर सुनते हो कि पर्क्स एंड अलाउंसेस। ठीक। तो अलाउंसेस मीन्स भत्ता होता है, यहाँ पे डियरनेस मीन्स महंगाई होता है। तो यह बेसिक पे में जनरली मूल वेतन, महंगाई भत्ता, और भी जितने पर्क्स होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन मिलते हैं, मीन्स की इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिलते, उनको पर्क साइड्स कहते हैं, पर उनको मेज़र ज़रूर किया जा सकता है मनी में। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स, इसमें पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम क्या है? तो पीस रेट सिस्टम की इसमें जो इंसेंटिव्स है या वेजेस है इसको प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो ये तो सिंपल वाला कैलकुलेशन नहीं कि जैसे आप चार एक पीस प्रोडक्शन करने के लिए ₹2 रेट है, तो आप चार पीस करोगे तो ₹8, 10 पीस करोगे तो ₹20, वो नहीं, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पीस रेट सिस्टम को पीस रेट सिस्टम का उद्भव हुआ। इसमें क्या होता है कि जैसे
हर स्टेज पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा वो प्रोडक्शन करे। जैसे अगर 100 पीस वो प्रोडक्शन करता है तो 2 रुपये के रेट से लगेंगे, और जैसे ही वो 101 हो गया तो पिछला सारा जितना पूरा 1 से लेके 101 तक जितना पीस प्रोडक्शन हुआ है सब पे 3 रुपये के हिसाब से उसको मजदूरी मिलेंगे। 150 के क्रॉस किया तो सब पे 4 रुपये मिलेंगे, जो पहला वाला 100 है उस पर भी। तो इससे क्या होगा कि अगर वो 80 पे है 90 पे है तो चाहेगा कि कम से कम किसी तरीके से 11 और प्रोडक्शन कर दे तो हम 101 पे पहुंच जाएंगे, तो 3 रुपये हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। अगर 90 पीस है तो 180 मिलेगा उसे, वही 101 हो गया तो मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, 303 मिल जाएगा, तो काफ़ी का डिफरेंस हो गया 123 का। तो इट वॉज़ अ सिंपल एग्ज़ाम्पल। तो इसमें पीस रेट सिस्टम में इस तरीके से स्लॉट बनाए जाते हैं कि एम्प्लॉयज़ हर वक्त जो है कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारा बोनस। इट इज़ एन इंसेंटिव अवार्ड ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ ओवर एंड अबव द सैलरी और वेजेस बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सैलरी से ओवर एंड अबव होता है, सैलरी या वेजेस से। ये किस पे बेस करता है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे। जब ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी प्रॉफिट में जाती है तो अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्से को जो है सारे एम्प्लॉयज़ और सारे मैनेजर्स में उनके वेजेस या सैलरी के अकॉर्डिंगली उन और नंबर ऑफ वर्कर्स के अकॉर्डिंगली उनको प्रोपोर्शन में अपना बोनस देती है, जो कि साल में एक बार होता है, और ये सैलरी और वेजेस से बिल्कुल अलग होता है। तो जनरली ये बिज़नेस फॉर्म द्वारा दिवाली पे दिया जाता है, तो आप लोग सुनते होंगे कि दिवाली पे बोनस मिला, तो ये बोनस वही होता है, ठीक, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का उससे मिलता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होगा तो उस साल मालिक कह सकते हैं, मतलब कंपनी का ओनर कह सकता है या मैनेजर कह सकता है कि इस साल बोनस वो नहीं दे पाएगा। तो लेकिन ये हमेशा मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज़ को। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में पढ़ ही रहते हैं हम लोग, तो उस पर जो फोर्थ मीन्स की पॉइंट है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जैसे कोई मैनेजर है बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको पार्टनर बना लेना। सपोज़ करिए आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोपराइटरशिप है, कोई आपका मैनेजर बहुत वर्क कर रहा है, उसको अब और मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो और मोटिवेट में अब उसकी सैलरी आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, फिर कभी प्रॉफिट कम हो गया तो आपको उस सैलरी ज़्यादा सैलरी जो है फिर वो फर्म को नुकसान दे रहेगी। तो क्या होता है कि कभी कभी कंपनी सैलरी ना बढ़ा करके मैनेजर्स की उनको 10% या 5% या 2% का पार्टनर बना देती है, कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 2% प्रॉफिट या 10% प्रॉफिट वो मैनेजर को दे दिया जाएगा। तो मैनेजर क्या करेगा, और ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उसमें उसका शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो वो मोटिवेट होता है और उसको ये फील होता है कि हम कंपनी के पार्टनर हो गए हैं, ओनर हो गए हैं, तो इट विल बी हाईली मोटिवेटेड। तो इट विल द प्रॉफिट शेयरिंग इज़ इंसेंटिव विच हाईली मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। ये भी ऊपर वाले की तरह प्रॉफिट शेयरिंग की तरह है, बस ये इनके सब कंपनी में देखा जाता है जनरली, कि एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंटेड रेट में ऑफ़र करती है। जैसा कि आप लोग शायद अकाउंटेंसी में पढ़े होंगे कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसमें कंपनी डिस्काउंटेड रेट पे अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ऑफ़र करती है, ये राइट देती है कि पहले हमारे एम्प्लॉयज़ खरीद ले शेयर्स, अगर वो नहीं खरीद मतलब पूरा शेयर्स नहीं बिक पाएगा तब हम पब्लिक में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, और उन्हें पब्लिक से डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। जनरली विप्रो, इन्फोसिस, TCS ये सारी कंपनियां इस सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो इससे कंपनी को एम्प्लॉयज़ के अंदर भी हाईली मोटिवेशन आता है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर्स बन जा रहा है, कंपनी को उसके शेयर्स दिए जा रहे हैं तो उस पर उनको हमेशा डिविडेंड मिलेगा। तो ये सब वो एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन का एक बड़ा कारक होता है, क्योंकि उनको एक तरीके से लगाव भी होता है कि वो कंपनी के ओनर हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो कि सबसे बड़ा चार्म होता है। आप लोग सुनते होंगे गवर्नमेंट जॉब में लोग भागते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाखों में लोग फॉर्म भरते हैं, छोटा सा भी अगर काफ़ी कम सीट रहती है तब भी, तो वो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट्स को देख के करते हैं। हर कंपनी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स जितने ज़्यादा होते हैं तो उस वो कंपनी अगर प्रेजेंट में किसी दूसरे कंपनी के मुकाबले थोड़ा कम भी सैलरी देती है तब भी उसको लोग छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और एम्प्लॉयज़ के लिए जनरली सबसे
ज़्यादा ज़रूरी होता है रिटायरमेंट बेनिफिट से, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनके सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं रह जाता है। बिजनेसमैन तो लास्ट तक उसके मतलब जो इनहेरेंट्स होते हैं, सन हैं और जो भी उसके बाद के उत्तराधिकारी हैं, वो सारे लोग क्या नाम है बिज़नेस करते रहते हैं और बिज़नेस हमेशा चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ इनकम बिजनेसमैन को होता रहता है। ठीक, वो रिटायर हो जाएगा तब भी उसको बिज़नेस से इनकम कुछ ना कुछ आता रहेगा और उसका बिज़नेस सेटल्ड है तो। लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए रिटायरमेंट के बाद जीवन गुजारना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है बिना रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। इसीलिए मींस की रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा परक्साइड्स, मतलब इसमें हर वो फैसिलिटी जो आपको कैश में नहीं दी जाती है लेकिन कैश में काउंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई अधिकारी हैं, किसी कोई मैनेजर हैं, आपको एक नौकर दे दिया गया, उस नौकर की सैलरी 3,000 रुपये है, तो वो आपका घरेलू काम करेगा, तो कंपनी आपको एक तरीके से 3,000 रुपये पर मंथ वो दे रही है। ठीक, भले ही वो पैसा न दे करके आपको एक नौकर रख दिया गया है और उसकी सैलरी कंपनी खुद दे रही है, या आपके मेडिकल का इलाज आपके और आपके फैमिली का इलाज फ्री में करवा रही है, या आपको हाउस फ्री में दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें परक्साइड्स में आती है। या फ्रिंज बेनिफिट्स में एडिशनल पे जितना भी पेमेंट के अलावा कहीं पर आप कुछ खर्च करके आते हैं तो उसको आपको अलग से कंपनी पेमेंट कर देती है उस खर्च को, तो वो सब फ्रिंज बेनिफिट्स में आ गए। या व्हीकल अलाउंसेस है, तो परक्साइड्स भी काफ़ी कुछ बड़ा मीन्स की इंसेंटिव कहलाता है। और जनरली आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े अधिकारियों को बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जिनको कि कैश में काउंट किया जाता है, मेज़र में किया जाता है, लेकिन कैश नहीं मिलता, उनको सुविधाएं मिलती हैं जिससे कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें और अच्छे से काम कर सकें। तो इन द लास्ट वी विल समराइज इट एज यूजुअल कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने, तो पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम इट मीन्स पीस रेट सिस्टम, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड परक्साइड्स। अब यहीं पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ख़त्म होता है और हम लोग मूव करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरफ। जनरली बिना पैसा दिए ही किसी को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं तो आइए देखते हैं। इंसेंटिव विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जैसे आपको कोई गोल्ड मेडल मिल गया, आप गोल्ड मेडल की जनरली गोल्ड का हुआ होता नहीं है, बस लोगों के सामने बड़ी भीड़ में स्टेज में बुला करके अगर गोल्ड मेडल दिया जाता है तो आपको काफ़ी सम्मान की अनुभूति होती है और उसके लिए लोग क्या क्या करते हैं, तो उससे वो मॉनेटरी इंसेंटिव तो नहीं है, लेकिन मॉनेटरी इंसेंटिव से कहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा काम करता है वो, तो इसलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, स्टेटस। अगर आपको कंपनी के अंदर फर्स्ट मीन्स के एम्प्लॉयज़ का या कुछ कंपटीशन कराया जाए, या अक्सर आप लोगों ने बैंक में देखा होगा कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का लिख करके हर मंथ एक अच्छे एम्प्लॉय का नाम जो है कि बैनर बना करके या बाहर किसी तरह से उसको शो किया जाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीन्स की एम्प्लॉयज़ को फीलिंग लाती है। ठीक, स्टेटस उनका अच्छा बढ़ता है, उनके लोगों में क्या नाम है उनका सम्मान बढ़ता है, तो ये एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकल, सोशल और स्टीम नीड्स को फुलफ़िल करने में काम आती है। या आप रैंकिंग दे दिए एम्प्लॉयज़ में कि इस महीने फर्स्ट रैंक के एम्प्लॉय ये हैं, सेकंड रैंक के एम्प्लॉय ये हैं, तो उसमें उसको खुशी मिलती है। ये हम लोगों ने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में पढ़ा भी था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोशल एंड स्टीम नीड्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, तो ये इसको फुलफ़िल करती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर आप किसी को थोड़ा सा आज़ादी दे दो अपनी मीन्स की डिसीज़न खुद लेने का, मीन्स इंडिविजुअल थोड़ा सा ऑटोनॉमी, कुछ एम्प्लॉयज़ को कंसिडर करने लगी है कि ठीक है अच्छा थोड़ा बहुत अगर उससे उसकी बातों का या उसके रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाने लगे, या अच्छा सा माहौल मिल जाए उसको, उसके एम्प्लॉयज़ उसका इज्जत करें या अदर जो कलीग्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, तो फिर वो अच्छा क्लाइमेट भी जो है ये एम्प्लॉयज़ को के टर्नओवर को घटाता है। फिर जहाँ पे एम्प्लॉयज़ देखेंगे कि अच्छे से सेट हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी जगह ट्राई नहीं करते हैं, उनको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मिल जाता है तो फिर दूसरी जगह स्विच नहीं करेंगे कि यहाँ पे ऐसा है दूसरी जगह जाएंगे तो कैसा होगा, ये एम्प्लॉयज़ के मन में हमेशा रहता है। ठीक, तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को रोकने में काफ़ी मदद करता है और ये एक अच्छा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दिए, ठीक,
या कोई अच्छी प्रमोशन पॉलिसीज बनाएंगे तो एम्प्लॉयज़ जनरली अपना हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका प्रोग्रेस हो, उसका प्रमोशन हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी संस्था में वो है और उसको लगता है कि इसके बाद उसका प्रमोशन होना नहीं है, ठीक, कोई सीट नहीं है, कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, वो उसी जिस पोस्ट पे उसी पे रिटायर हो जाएगा। तो हो सकता है अगर उसकी एज बची हो और उसके अंदर ऊपर जाने का जज्बा हो तो वो छोड़ करके दूसरे एम्प्लॉई कंपनी में चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे उसको प्रमोशन मिलेगा। तो एक करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हमेशा। अगर वो करियर एडवांसमेंट पॉलिसी नहीं रहेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, उसको लगेगा नहीं कि हमारा प्रमोशन होगा, तो फिर ये दिक्कत होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है कि उसको हर वक्त ये लगना चाहिए कि हाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम ये काम करेंगे तो हम प्रमोशन पा सकते हैं। नेक्स्ट है मीन्स इसमें एक चीज़ ये भी आता है कि जैसे आप कोई एक चीज़ आप रख लो कि भले ही एग्ज़ाम रख लो कि आप ये एग्ज़ाम पास करोगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, एक वक्त से पहले मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ हर वो काम करेगा, पूरा आपका काम करेगा जिससे कि वो एग्ज़ाम भी निकाल सके, पढ़ाई भी करेगा, अपने आप में भी डेवलपमेंट लाएगा और कंपनी का भी अच्छा काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। नेक्स्ट हमारा जॉब एनरिचमेंट, इंक्लूजन ऑफ वैरायटी इन वर्क, गिविंग वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी को कोई एक काम दे दिया जाए, क्लरिकल काम, और कह दिया जाए कि वो रोज़ वही काम करो, या आपको सपोज़ कर लीजिए कि एक काम दे दिया गया, टीचर ने कह दिया कि एक ही आइटम को आप 10 पेज लिखो, फिर 10 पेज लिख लिया तो कहा फिर 10 पेज लिखो, और उसको जब ये पता चल जाएगी टीचर जो है हमेशा यही लिखवाएगा, केवल दूसरा कुछ लिखवाएगा ही नहीं, तो आप 10 पेज क्या पहली बार में ही अगर लिख भी दोगे 10 पेज तो दूसरी बार 8 पेज फिर 7 पेज फिर लगेगा कि हम नहीं लिखेंगे, क्यों बार बार एक ही चीज़ लिखवा रहे हो। ठीक है, तो जॉब में वैरायटी होना चाहिए। उसी तरह जॉब होता है कि जब एक ही वर्क अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ करते करते रहता है और रिटायरमेंट तक जाता है तो बहुत कम एम्प्लॉयज़ ऐसे हो पाते हैं जो कि अपना इंटरेस्ट जो है मेंटेन कर पाते हैं। तो वैरायटी होनी चाहिए वर्क में, कभी कोई वर्क फिर प्रमोशन पाने के बाद थोड़ा सा उसका वर्क चेंज हो, वर्क स्टाइल। ठीक है, वर्कर्स को कुछ ऑटोनॉमी देनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, कुछ उनको अपॉर्चुनिटी मिले, जो ऊपर के दो तीन चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। तो जॉब इटसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर कोई जॉब ऐसा है जिसमें कि हर वक्त काम अलग अलग है, हर वक्त एक नया केस है, हर वक्त एक मीन्स की करियर अपॉर्चुनिटी है कि हम ये करेंगे तो हम तुरंत हमें प्रमोशन मिल जाएगा, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, तो फिर वो किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एम्प्लॉई रिकॉग्निशन प्रोग्राम, रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ठीक, जनरली अभी हम ऊपर जैसे हम लोगों ने कहा था कि एम्प्लॉई को रिकॉग्निशन प्रोग्राम होना चाहिए, एम्प्लॉई रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कि आप हर साल एम्प्लॉई को अप्रेजल रिपोर्ट आप बनाइए, आप देखिए कौन सा एम्प्लॉई अच्छा कर रहा है। हर अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को आप मोमेंटो दे सकते हैं, कैश अवार्ड दे सकते हैं। ठीक है, एक वॉल ऑफ फेम बना करके वहाँ पे उसका नाम पब्लिश करा सकते हैं। ठीक, उसको ट्रिप दे सकते हैं, कोई हॉलीडे ट्रिप्स दे सकते हैं। तो इस तरीके का मतलब उनको पहचानिए, अच्छे काम को हमेशा प्रेज़ करिए, उसको दिखाइए, शो ऑफ कीजिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को ये लगे कि हाँ हम अच्छा काम किए हैं तो हमारी कुछ मान्यता है। तो एम्प्लॉय जो है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा जॉब सिक्योरिटी, सबसे लास्ट है, बड़े लास्ट हो, ठीक है, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है, लेकिन लीस्ट नहीं है। ये जॉब सिक्योरिटी ही आज के युग में केवल जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट मीन्स की वर्क को, जॉब को प्राइवेट जॉब से अलग करती है। वरना प्राइवेट जॉब में अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अब लगभग उतने ही मिलने लगे हैं बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में। एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है प्राइवेट जॉब में, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में आज भी सोचते हैं। तो इट विल मेक द एम्प्लॉयज़ मोर कॉन्फिडेंट एंड दे विल बिकम हाईली मोटिवेटेड। अगर ये जिस एम्प्लॉय को पता चल जाए कि उसको अब निकाला नहीं जाएगा या उसका जॉब सिक्योर है जब तक कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर ना करे, तो फिर वो अच्छे से काम करेगा, वो हाईली मोटिवेशन खुद ब खुद रहेगा। ठीक, किसी भी एम्प्लॉयज़ को चाहे कितना भी पैसे मिल ले, जनरली अगर वो मतलब हर बेरोज़गार को, हर पर्सन को जॉब मिलने की खुशी होती है, पर गवर्नमेंट जॉब मिलने की खुशी इसलिए होती है कि बहुत सारे लोग, कभी कभी देखा गया है कि प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा पे पा रहे हैं और फिर भी उससे कम पे में भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो जॉब सिक्योर फील करते हैं, या किसी भी ऐसे संस्था में चले जाएंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि अब उनका जॉब सिक्योर है। ठीक, भले ही वो गवर्नमेंट ना भी हो, एनजीओ भी हो, बहुत बड़ा कोई ऑटोनोमस बॉडी हो, कहीं पर भी,
तो जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो इट्सेल्फ मोटिवेशन का काम करती है। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। कभी भी मैनेजर्स या जो भी सीनियर्स हैं जो भी डिसीज़न लें, अगर बस केवल उस डिसीज़न लेने के पहले एम्प्लॉय से कभी थोड़ा सा पूछ भी लें ना, भले ही वो खुद अपना सही डिसीज़न ले जो वो सोचे हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ को थोड़ा कंसिडर कर लिया जाए या उनसे भी पूछ लिया जाए, सलाह मशवरा कर लिया जाए तो एम्प्लॉय अपने आप में लगेगा उनको कि हमसे बॉस ने पूछा, हम लोगों से पूछ करके डिसीजन हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका भी पार्टिसिपेशन है डिसीज़न लेने में, तो वो बहुत बड़ा हाईली मोटिवेशन का काम करता है बिना कुछ पैसा खर्च किए, ठीक। तो इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीज़न मेकिंग इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपको सिंपल, ये बहुत बड़ा छोटा सा एग्जांपल है मतलब आपके पास का, कि अगर टीचर कभी कोई चीज़ लेना है, कभी क्लास लेना है, कभी कोई भी मतलब डिसीजन लेना है कि क्लास कब चलेगा, एक्स्ट्रा क्लास कब चलेगा, या कोई होमवर्क दिया, तो अब उसका पूछेगा कि अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ कितने बजे से क्लास चलाया जाए, तो सारे बच्चे खुश होकर अपना अपना टाइम बताने लगते हैं, उनको फील होता है कि नहीं टीचर हमसे पूछ के डिसीजन ले रहा है, ठीक। तो या मतलब कोई प्रोजेक्ट वर्क बताओ अच्छा कौन सा डेट है, ठीक, तो उनको फील होता है कि नहीं हमसे भी पूछा जा रहा है, हमारी बातों को भी कंसिडर किया जा रहा है, ठीक। तो कई सारे बच्चे अपना अपना डेट बताते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे बताते हैं वो टीचर जनरली ले लेता है, तो उससे अगर जब वो डिसीजन हो भी गया कि जो बच्चों ने बताया बस वही डिसीजन ले लिया गया, तो फिर वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। ये आपके साथ भी होता है, कभी आपने भी फील किया होगा, तो इसी तरह एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉई एम्पावरमेंट। Giving more autonomy, powers and responsibility to subordinate will create a feeling that their contribution through the work is important to the organization. अब किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा responsibility देना या पहले से ज़्यादा responsibility देना, autonomy देना, power देना, उसके अंदर ये feeling create करती है कि उसका भी जो work है, contribution है, वो organization के लिए important है। अब कोई employee आया, वो कह रहा सर हम ये काम किए, अच्छा काम किए, दिखिए और दिखाने आया, कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक। उसको लग रहा है कि हमारे काम का कोई मतलब ही नहीं, हम कितना भी काम कर ले ऑर्गेनाइजेशन वाले कभी भी हमको प्रेज़ नहीं करेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे डीमोटिवेटेड होकर काम करना बंद कर देगा, या उतना ही करेगा जिससे बस उसकी नौकरी बची रहे बस, ठीक। कभी वो अपना 100% नहीं देगा। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, कि आप उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक, जिससे कि उसको ये फील कराइए कि उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को का जो इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत है, सभी का जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो इन लास्ट वी विल जस्ट समराइज इट कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इन लास्ट थोड़ा सा हम लोग एक साथ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, केवल अगर नाम याद करने के पर्पज़ से इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, जिससे कि अगर जब ये नेम और टॉपिक्स आपको याद रहेंगे तो इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई है, तो आप कभी भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थैंक यू ओनली दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक लीडरशिप। Thank you. Till then, keep studying.